सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बच्चों के फेवरेट मग केक्स। तो मग केक्स की विद एग्स की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। आज मैं बना रही हूँ 2 मग केक्स, एक वनीला और एक चॉकलेट, लेकिन दोनों में ही मैं एग यूज नहीं करूंगी। तो सबसे पहले चॉकलेट मग केक के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये लिया है मैंने मैदा, ये 3 टेबलस्पून है। ये चीनी है, चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, पिसी हुई चीनी है। और ये मैंने ली है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही मैंने लिया है कोको पाउडर, और 2 ही टेबलस्पून मैंने लिया है बटर। बटर की जगह आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। और ये लिए हैं मैंने बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, और ये है 1/4 टीस्पून। उसके अलावा लिया है मैंने वनीला एसेंस, ये भी 1/4 टीस्पून है। और ये ली है मैंने चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट है ये, उसको मैंने थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ के डाल दिया है, और ये 2 टेबलस्पून के करीब है। आप चाहें तो कम या ज्यादा ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी जगह चॉको चिप्स भी ले सकते हैं। और ये लिया है मैंने दूध, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है, और ये है 3 टेबलस्पून। तो सबसे पहले लिया है मैंने ये ऐसा मग, ये मिल्क मग है, आप चाहें तो थोड़ा सा फैला हुआ जो मग होता है कॉफी मग वो भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, पिसी हुई चीनी, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर। सबसे पहले मैं इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए लम्स नहीं होने चाहिए, सब चीजें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। तो ये देखिए सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर मिल्क और ये मेल्टेड बटर, साथ ही में मैं डाल देती हूँ ये वनीला एसेंस। इन सभी चीजों को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर दूध कम लगे तो आप थोड़ा सा इसके अंदर दूध की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सभी चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ बैटर नहीं बन जाता। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम अपने चॉकलेट के पीसेस को इसमें डाल देते हैं और एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं और अब हम बनाते हैं वनीला मग केक्स। तो वनीला मग केक के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये लिया है मैंने मैदा, ये 4 टेबलस्पून है, और ये चीनी, पिसी हुई चीनी है, ये 2 टेबलस्पून ली है मैंने, और 2 ही टेबलस्पून मैंने मेल्टेड बटर यानी मक्खन को मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। उसके अलावा मैंने लिया है ये बेकिंग पाउडर, ये 1/4 टीस्पून है, वनीला एसेंस ये भी 1/4 टीस्पून है, मिल्क लिया है मैंने ये 4 टेबलस्पून लिया है, और ये स्प्रिंकलर्स हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं, ये मैंने 2 टीस्पून लिए हैं। एक मैंने मग लिया है, ये माइक्रोवेव सेफ है, और इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मैदा। पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, और सबसे पहले तो ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे मिक्स करने से इनके अंदर जो है वो अच्छे से एयर आ जाती है, जिससे कि हमारा मग केक काफी अच्छे से राइज हो जाता है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये मेल्टेड बटर, वनीला एसेंस और दूध। दूध की अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़े तो थोड़ा सा आप इसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, 4 टेबलस्पून लेकिन ठीक है। तो देखिए हमारा मग केक का बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। अब जो है ये स्प्रिंकलर्स मैं इसमें डाल देती हूँ,
थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन के लिए अलग रखी हुई है। तो देखिए हमारे दोनों मग्स तैयार हैं, अब हम इनको माइक्रोवेव में रख देते हैं। तो हमने दोनों मग्स माइक्रोवेव में रख दिए हैं, अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तो देखिए हमारे मग केक्स तैयार हो गए हैं, ये देखिए आप, और ये तो देखिए तैयार है हमारे माइक्रोवेव मग केक्स जो कि एगलेस हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, स्पॉन्जी हैं। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।